नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर बात कर रहा हूँ क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो इजीली एडमिशन हो जाते हैं, ज़्यादा उनको मशक्कत नहीं करनी होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना है इसके अंदर, देखो कुछ बड़े स्कैम, बड़ी प्रॉब्लम चलती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मान लो मैं कोर्स वाइज कोर्स में बात करता हूँ, बात करते हैं बीएड की। बीएड में रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, नॉन अटेंडिंग बेस पर लोग काम कर रहे हैं, फैकल्टीज नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं है, सत्यानाश है। आगे स्टेप बढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल कोर्सेज में, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक, इनके अंदर भी रेगुलर स्टूडेंट्स ज्यादातर नहीं आते, नॉन अटेंडिंग में एडमिशन लिए हुए या फिर बैकलॉग में मार्कशीट निकालते हैं लोगों की, कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो आप लोग बहुत अच्छी तरह पता है, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इसके रिगार्डिंग। फार्मेसी बात करें हम लोग, फार्मेसी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी में फिर भी कुछ रेगुलर बच्चे होते, डी फार्मेसी में रेगुलर बच्चे होते ही नहीं। बात करते हैं लॉ की, दो लॉ है आपके पास, इंटीग्रेटेड लॉ 5 ईयर्स और 3 ईयर्स की लॉ। जो 5 ईयर्स की लॉ है उसमें फिर भी कुछ स्टूडेंट रेगुलर हो सकते हैं, कुछ 3 ईयर्स में स्टूडेंट रेगुलर होते ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, फैकल्टी नहीं है, क्लास रेगुलर कभी होती भी नहीं है, वही बैकलॉग में ये लोग कुछ ना कुछ तरीके से ब्लैक मार्केटिंग, मैंने वर्ड किया था पिछली वीडियो में, आप देख लेना मेरी इस वीडियो में, ब्लैक मार्केटिंग करके किस तरह से ये लोग मार्कशीट निकाल देते हैं। पीएचडी का सत्यानाश, हमारे हिंदुस्तान को डुबोने में इन प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा योगदान, साले दीमक है दीमक, खोखला कर देंगे हमारे हिंदुस्तान को। दोस्तों बात खोखला करने की नहीं है, अगर उससे बड़ी समस्या से बड़ी क्या, इन लोगों के साथ में एडमिशन लेते हैं, पैसा जब तक स्टूडेंट का नहीं आया ओके है, जैसे पेमेंट पूरी आ गई बच्चे को इतना परेशान कर देंगे स्टूडेंट को, स्कॉलर को, कि वो बेचारा अपने पीएचडी बीच में ही छोड़ के भाग। इन लोगों का टारगेट होता है कि 1000 पीएचडी के एनरोल कर लो फटाफट से, कितने स्टूडेंट कंटिन्यू चलेंगे, हम परेशान करेंगे कितने लोग स्टूडेंट लगातार चलेंगे, 100 150 200, कितनों को अवॉर्ड करेंगे, 10 20 50, बाकी सारा पैसा कहां गया जेब में। फीस देखो हाई है, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख भी है, 5 लाख भी है, ये तो इन लोगों का हाल है दोस्तों। दोस्तों मैं तो ये चाहता हूं यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर हमारे यूजीसी वाले अच्छा एक्शन ले, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा एक्शन ले, और से 2-3 काम करने, क्या करने हैं बिना बताए, एक रेड होती है, रेड हो जानी चाहिए इनके ऊपर, और रेड भी क्या होनी चाहिए, रेड होगी तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं फटाफट से, यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा होता है, सीधा जाकर एचओडी को पकड़ लो, सीधे जाकर जो एडमिशन हेड बैठा हुआ है उसका स्ट्रिंग करवा दो, इन 10-15-20 यूनिवर्सिटीज को पकड़ो जिनपे आपको डाउट लगता है, इनके हेड ऑफ एडमिशन को पकड़ो, उसका एक स्टिंग करवा दो, पता चल जाएगा 2 मिनट में कैसे एडमिशन ले रहे कैसे नहीं ले रहे, क्या चल रहा है सब पता चल जाएगा। दोस्तों ये ऐसे ही हजारों करोड़ के मालिक नहीं बन गए हैं, जब इन सालों ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी ये तुच्छे से आदमी रहे होंगे, मोटो देते हैं अपना प्रपोजल यूनिवर्सिटी खोलनी होती है, मोटो देते हैं कि हम लोग अच्छी क्वालिफिकेशन देंगे, अच्छी स्टडीज प्रोवाइड करेंगे, हम लोग भला करेंगे, हमें इस स्टेट में जरूरत है, अरे कुछ नहीं होता बला बला, सब साले ये लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। दोस्तों हमारी मुहिम जो पोल खोल लगे हुए हम लोग, हमारी फाइट है फाइट अगेंस्ट द करप्शन इन एजुकेशन, और उससे पहले जो करप्शन तो बहुत बड़ी मैंने बात कर गया, वो तो बहुत बड़े आगे लेवल की बात है, मैं पहले चाहता हूँ छोटे लेवल पे, ये जो साले लोग जो पैसा लेके परेशान करते हैं लोगों को, पहले मैं इनको पकड़ना चाहता हूं, यही चोर हैं, असली बड़े दीमक ये लोग हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, जो पैसा लेके एडमिशन देते हैं, प्रोसेस को बढ़ाते हैं, कैंडिडेट पूरा काम नहीं कर पाता तो उसके अवार्ड नहीं होती, वो एक सेकेंडरी चीज है, उसके ऊपर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इन चोरों से, ये साले जो चोर हैं। दोस्तों मेरे पास हर मेरी वीडियो के बाद कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, लोग मेल करते हैं, लोग मुझे सुझाव देते हैं, लोग मुझे बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर देखो आप अगर मेरी वीडियो काम नहीं कर रही होती तो हर वीडियो के बाद 10-15-20 लोग मुझे मेल करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इतना पैसा दिया इस यूनिवर्सिटी, वो इस यूनिवर्सिटी वाले ने इस तरह से उनको डिच कर दिया, तो दोस्तों काम तो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फिर से बोलूंगा कि एक बार ये यूजीसी चेयरमैन साहब अपनी एक टीम को बनाएं और भेजें और इन लोगों की स्टिंग करवाएं, देखें कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, किस तरह से लोगों को उल्लू बनाने का धंधा चल रहा है इन सब यूनिवर्सिटीज में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे आप फैलाएं, और कोई भी किसी भी तरह की एजुकेशन में आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, या आप चाहते हैं कि हम लोग आपका साथ दें, या कहीं पर भी हम आपके साथ खड़े हों, आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, हम आपका जरूर, हम मैं और मेरी टीम आपकी मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।